Thank you.
वाहिगुरु। पहले था निराकार, फिर सकार हो गया, सकार से फुरना उठा तो एक से दो, दो से चार हो गया, दो चार से गिनती बढ़ी तो हजार हो गया, हजारों की तादाद में विषय वकारों का अंधार हो गया, अंधार को मिटाने गुरु नानक का अवतार हो गया, जिसने किया सिद्ध गुण का बेड़ा पार हो गया। शहीदों की बस्ती मिलती नहीं सस्ती, मिलती है ताइयो मिटाइए जे हस्ती, हस्ती से मिलता है रुतबा निराला, रुतबे से मिलती है गैरत की माला, माला के मणके बिकते नहीं बाजारी, उनको खरीदे कोई बिरला व्यापारी, व्यापारी भी वो जो जपारी का बच्चा बच्चा बहादुर सिंह भाई बचित्र सिंह वर्गा प्रेमी और सच्चा। ने माणिया ने मान सतगुरु, ने दानिया ने तान, ने उठिया ने ओठ, ने आसरिया ने आसरे, ने गत्या ने गत, ने पत्तिया दी पत, ने धीरन के तीर, पीरन के पीर, साहिब कमाल पढ़ने दमाही, शहनशाह सरबंस दानी मर्द गमड़ा तन, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करनी साध संगत दोवे हाथ जोड़ के बुलाओ फतेह आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने दरियाए सतलुज के कंढे ते कुछ किले बनवाए, साध संगत इतिहास के पन्ने खोलिए, इतिहास के पन्ने से जिक्र मिलता है किला निर्मोहगढ़, किला लोहगढ़, किला हौलगढ़, किला केसगढ़, किला फतेहगढ़, किला आनंदगढ़ की उसारी की थी। इन्हों किलों की उसारी तो गुरदेव की चढ़ना गुआढ़ी रियासत के हुक्मरान के दिलों के एक वक्री अड़चन पैदा कर दी थी। बिलासपुर महिला के एक इकट्ठ बुलाया गया, उस इकट्ठ के गुरु जी के खिलाफ मता पेश किया, राजा कहलूर भीम चंद ने कहा तीन दिनों के अंदर अंदर आनंदपुर उमेर तो नबूद कर दिया जाए। केसरी चंद ने कहा मैं अपने खूनी हाथी ना ला के तीन घंटे गुरु के आनंदपुर उजाड़ के रख देवगा। तो बाकी राजे ने कहा केसरी चंद जी लोहगढ़ किले के फौलादी दरवाजे बड़ी शक्तिशाली ने, उसनु तोड़ लेना कोई आसान बात नहीं है। तो उसने कहा मैं हाथी के मथे से फौलाद के तवे पीट देवगा, सुन दे कटारा बच्चे नेचे कर देवगा, हाथी सुन ही लावेगा जिमें सुरमे, जिमें सुरमे पलथा खेलते हैं, हाथी हट हट के टकरा मारेगा तो लोहगढ़ किले का दरवाजा चकना चूर हो जाएगा। तो बाकी राजे ने कहा केसरी चंद जी लोहगढ़ किले के फौलादी दरवाजे कच का ज शीशे का नहीं असली सर बलोद है, तीन घंटे टूट जाएगा। तो उसने कहा मैं खूनी हाथी दारू पिला के पागल कर देवगा, मध्य में मस्त होया हाथी मर जाएगा पर वो लोहगढ़ किले का दरवाजा तोड़ने बगैर वापस नहीं परतेगा। मता प्रमाण होया साध संगत, गुप्त सूचना अनुसार महाराज ने रिपोर्ट मिली, महाराज लोहगढ़ किले के दरवाजे चिकना चूर हो गए, हुण की बनेगा। महाराज ने भाई बचित्र सिंह सद्या, महाराज ने कहा बचित्र सिंह जी आ लो नागनी हाथी पार फलाहो। लोहगढ़ किले के दरवाजे के सामने पहाड़ी राजे ने जय देवा के नारे लाए, खालसे ने सत श्री अकाल का जयकारा बुलाया, ते कवि कहिंदा नाद वजा चाहिदा नचे मस्तां ने, फिर दोहां कलां ने सुनवे चुट पै मजाने, ओ तीर इकां विच ठोकदे पन पन निशाने, मार ते गन तन पार दे जो लंगड़ी फाने, एदा पौण सीधियां लड़ देश तवने ओ फानी छड़ समा दे मते प्रमाने। उन्हें सामने उदा तकिया थी सेनू चढ़िया जोश किचा वांगा लाए घोड़े नूं घोड़े नूं चुके पाड़ पागर कबर पार फाड़ कर दी नाली मारी। Thank you.
ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਜਸਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਿਆਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਸੀਸ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।